अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड नेटवर्क विद निदा कादिर। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन पकोड़ा की रेसिपी। तो ये आप ईद के लिए बनाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी। पूरा रमज़ान हम वेजिटेबल पकोड़ा खाते हैं, मगर ईद पे स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनके लिए हम बनाएंगे यहाँ चिकन पकोड़ा। तो इसके लिए हमने ये एक ड्रेस पीस ले लिया है बोनलेस। इसके अंदर हम एक चम्मच काली मिर्च का डालेंगे, आधी चम्मच हम यहाँ डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स का, कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये अजवाइन है, ये डालेंगे हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करके। और यहाँ डाल रहे हैं हम सोया सॉस एक चम्मच के करीब, और डालेंगे सिरका एक चम्मच, और इसमें जाएगा थोड़ा सा चिकन पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, और नमक भी इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून, क्योंकि हम बेसन में भी नमक शामिल करेंगे इसलिए हमने इसमें ज़्यादा नमक नहीं डाला। बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको हमने रख देना है साइड पर। अब ले लेना है हमने बेसन, ये हमने बेसन ले लिया, बेसन मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप। ये हमने 1.5 चम्मच हमने नमक डालना है इसमें, 1 टीस्पून इसमें हमने डालनी है काली मिर्च, और हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने 1 टीस्पून ही डाली थी, क्योंकि हमने चिकन में भी ऑलरेडी डाला हुआ। चाट मसाला हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चुटकी भर इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा, जो कि हमारे जो पकोड़ों को है ना बहुत ही सॉफ्ट करेगा। इसको अच्छी तरीके से हमने सारे मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। अच्छा, ये आपने बैटर को है ना ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि चिकन में भी है ना सोया सॉस सिरका वगैरह डला हुआ है ना, तो उसका भी पानी होगा, फिर वेजिटेबल्स का भी पानी होता है, तो इसे आपने थोड़ा थिक थिक ही रखना है। अच्छी तरह इसकी जो ये गुठलियाँ हैं ना, लम्स जितने भी हैं ना, वो सारे आपने स्मूथ कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, जो कि मैंने ली है यहाँ कुछ ऐसे, बंद गोभी ली है थोड़ी सी, थोड़ी सी हमने जूलियन कटिंग में ली है शिमला मिर्च, और प्याज भी है, बंद गोभी डाल देंगे सबसे पहले, तो इसके साथ ही साथ हम शिमला मिर्च डाल देंगे, कैप्सिकम, और ये प्याज जो है ना वो ऐसे कटिंग हुई भी है तो हम इसे थोड़ा सा हाथ से यूँ कर लेंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना, खुल जाए सारी, क्योंकि पकोड़ों में फिर जुड़ी हुई अच्छी नहीं लगती है, वो फिर पकोड़ा जुड़ जाता है। तो ये सारी कर लेंगे हम, ये सारी इसमें चली जाएंगी। थोड़ा सा हम इसमें धनिया डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर और भी मज़े का लगेगा। चलिए, इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे हम, देख लेंगे पानी की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, फिर चिकन डाल के भी फिर देख लेंगे।
पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें अभी। अभी आप इसे थोड़ी देर और रखेंगे ना तो ये और मज़ीद है ना पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है ना आप तक पहुँच जाएगा। और कमेंट करके भी आप बताया करें कि आपको कैसी रेसिपी देखना पसंद है। तो यहाँ पर आप चिकन डाल देंगे इसमें सारा का सारा। इसको मिक्स कर लेंगे अब। बहुत ही रेस्टोरेंट जैसे आपको पकोड़े ये बन के रेडी होते हैं ये वाले, तो आपने ये लाजमी ट्राई करने हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं चिकन पकोड़ा, बिल्कुल वैसे ही स्पेशल ईद में आप ये बनाएं। तो चलें जी अब इसे फ्राई करते हैं। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें रह गई थी, एक तो भुना और कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया। और आप ये डालना चाहें तो डालें वरना ऑप्शनल है ये जर्दे का रंग। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ इसे, ये कि अच्छा इसका है ना शुरू कर। तो बस अब फ्राई करते हैं इसे, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चम्मच की मदद से आप डालें या हाथ की मदद से डालें, छोटे छोटे से आपने पकोड़े डालने हैं। और ज़्यादा आपने फुल फ्लेम नहीं करना, हाई फ्लेम पे आपने पकाना है इन्हें, क्योंकि इसमें चिकन है तो वो भी गलनी चाहिए और बिल्कुल टेंडर होगी तो ही अच्छे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा सा जब ये पकना शुरू हो जाए तो इसकी जो है ना जगह से हिला लेंगे हम, इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। एक साइड इसकी हो चुकी है डन। जी तो ये मज़ेदार हमारे चिकन पकौड़ा रेडी हैं। इस पर हम हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, जो कि ये बहुत ही मज़े के लगेंगे फिर। और अब मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि कैसा बना है ये, देखें बेहतरीन। ये देखें आप। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।